हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल ने दिवाली के मौके पर राजधानी चंडीगढ़ में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके अलावा जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला को राज्यपाल सत्यनारायण आर्य ने शपथ दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं शपथ ग्रहण से पहले दुष्यंत चौटाला ने मंच पर मौजूद अकाली दल के मुखिया और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। इस पर बादल ने उन्हें गले लगा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत के पिता अजय चौटाला भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक सवाल के जवाब में दुष्यंत के पिता अजय चौटाला ने कहा कि एक पिता के लिए इससे अच्छा अवसर क्या होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, लेकिन ये सरकार पूरे 5 साल स्थिरता से हरियाणा के विकास के लिए काम करेगी। इससे अच्छी कोई दिवाली नहीं हो सकती। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, मनोहर लाल को आप सीएम पद की शपथ लेते हुए, वह दुष्यंत चौटाला को आप डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए देख पा रहे हैं। त्योहार के बाद सब बातें डिटेल में करेंगे। तो पार्टी की शपथ देना चाहेंगे बहुत, अभी तुरंत तुरंत विचार करेंगे बताएंगे। दीपावली का पावन पर्व है और हरियाणा प्रदेश में एक नई गठबंधन की सरकार बनी है, इससे ज्यादा खुशी का अवसर और क्या हो सकता है। मैं तो सबको शुभकामनाएं देता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये हरियाणा प्रदेश के विकास को और चार चांद लगाने का काम करे। गठबंधन तो स्वाभाविक है, जब 40 सीटों पे हम अटक गए आके, तो 6 की कमी कहीं तो पूरा करेंगे। और एक संगठित दल पूरा करता है जेजेपी के रूप में, या जो निर्दलीय हैं वो करते हैं, तो संगठित दल से ज्यादा उम्मीद रखी जा सकती है कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं। तो सभी को बधाई दूंगा, हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा, और जो ये गठबंधन हुआ है इस पर मैं ये उम्मीद जाहिर करूंगा कि ये मिलजुल करके सब हरियाणा प्रदेश के किसान।